का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आपने वीडियो के टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सही देखा है कि आप आपकी डीडी फ्री डिश पर अब सोनी पली चैनल को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहते हैं तो आज की इस वीडियो में बताई फ्रीक्वेंसी के जरिए आप आपकी डीडी फ्री डिश पर दोबारा से इस चैनल का मजा ले सकते हैं, जो कि चैनल 1 अप्रैल 2023 से हमारे डीडी फ्री डिश पर दिखाई देना बंद हो चुका है। लेकिन इस बार आपकी डीडी फ्री डिश पर एक खास फ्रीक्वेंसी को अप्लाई करके इस चैनल का दोबारा से मजा अपने डीडी फ्री डिश पर ले पाएंगे। वह फ्रीक्वेंसी कौन से, यह जानने के लिए इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप तक हमेशा हमारे ऐसे नए वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे और आप हमेशा आपकी डीडी फ्री डिश पर ऐसे ही नए पुराने चैनलों को ऐड कर सके। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, वह फ्रीक्वेंसी अप्लाई करने से पहले आपको आपकी डीडी फ्री डिश के सॉफ्टवेयर को अपडेट करना होगा, तभी आपकी डीडी फ्री डिश पर यह चैनल ऐड हो पाएगा। तो डीडी फ्री डिश को अपडेट कैसे करते हैं, इसके बारे में अब हम पहले देखते हैं। तो डीडी फ्री डिश को अपडेट करने के लिए यहाँ पर आपको आपके रिमोट का मेनू बटन दबाना है। मेनू बटन दबाने के बाद आपके सामने मेन मेनू खुलकर आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर नीचे सिस्टम सेटअप का एक ऑप्शन मिलेगा, जिस सिस्टम सेटअप के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। सिस्टम सेटअप के ऑप्शन पर क्लिक कर देने के बाद अब आपको यहाँ पर दोबारा से कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जिसमें से आपको यहाँ पर नीचे सॉफ्टवेयर अपग्रेड का एक ऑप्शन दिखाई देगा। तो इस सॉफ्टवेयर अपग्रेड के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों, अब आपके मन में सवाल आया होगा कि हमें तो डीडी फ्री डिश का सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, तो यहाँ पर हमें सॉफ्टवेयर अपग्रेड पर क्लिक क्यों करना है। तो दोस्तों, आपको बता दें, सॉफ्टवेयर अपग्रेड यानी कि सॉफ्टवेयर अपडेट है। इसी सॉफ्टवेयर अपग्रेड के जरिए आप आपके डीडी फ्री डिश के सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर सिंपली सॉफ्टवेयर अपग्रेड में आ जाना है। देन अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो अब आपको यहाँ पर अपग्रेड मोड में यदि P2M दिखाई दे रहा है तो उसे आपको आपके रिमोट का वॉल्यूम बटन दबाकर P2P कर देना है। जिसके बाद अब आपको यहाँ पर नीचे अपग्रेड टाइप में आ जाना है। अपग्रेड टाइप में आ जाने के बाद आपको यहाँ पर कोड या लोगो दिखाई देता है तो उसे आपको आपके रिमोट का वॉल्यूम बटन दबाकर ऑल कर देना है। जिसके बाद अब आपको यहाँ पर नीचे स्टार्ट पे आके आपके रिमोट का ओके बटन दबा देना है। ओके बटन दबा देने के बाद आपकी डीडी फ्री डिश का सॉफ्टवेयर अपडेट होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ी देर तक वेट करना है, जिसके बाद आपकी डीडी फ्री डिश का सॉफ्टवेयर पूरी तरीके से अपडेट हो जाएगा। डीडी फ्री डिश का सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाने के बाद अब आपको एक फ्रीक्वेंसी अप्लाई करनी है, जिस फ्रीक्वेंसी को अप्लाई कर देने के बाद आपकी डीडी फ्री डिश पर यह चैनल आसानी से ऐड हो जाएगा। तो वह फ्रीक्वेंसी अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको आपके रिमोट का मेनू बटन दबाना है। मेनू बटन दबाने के बाद आपको प्रोग्राम सेटअप में आ जाना है। प्रोग्राम सेटअप में आ जाने के बाद ऐड न्यू प्रोग्राम पर क्लिक करना है। ऐड न्यू प्रोग्राम पर क्लिक कर देने के बाद अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आपको यहाँ पर मैं जो फ्रीक्वेंसी बताने वाला हूँ वह फ्रीक्वेंसी सेम टू सेम अपने डीडी फ्री डिश पर टाइप करके अप्लाई कर देनी है। तो आपको यहाँ पर LNB फ्रीक्वेंसी में 09750 दोबारा से 09750 एंटर कर देना है। LNB फ्रीक्वेंसी एंटर कर देने के बाद अब आपको यहाँ पर नीचे ट्रांस फ्रीक्वेंसी में 11630 एंटर कर देना है। ध्यान से सुनिए, आपको ट्रांस फ्रीक्वेंसी में 11630 एंटर कर देना है। ट्रांस फ्रीक्वेंसी एंटर कर देने के बाद नीचे सिम्बो रेट में आपको 29500 एंटर कर देना है। सिम्बो रेट एंटर कर देने के बाद नीचे पोलरिटी में यदि एच है तो उसे आपको वीक कर देना है। जिसके बाद आपको यहाँ पर नीचे 22K में ऑफ है तो उसे ऑन कर देना है और उसके नीचे ऑफ कर देना है। मोड में यदि ऑल है तो उसे आपको फ्री करके इस फ्रीक्वेंसी को आपके डीडी फ्री डिश पर अप्लाई कर देना है। फ्रीक्वेंसी को अप्लाई कर देने के बाद आपकी डीडी फ्री डिश पर चैनल लोड होने शुरू हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पर थोड़ी देर तक वेट करना है, जिसके बाद आपकी डीडी फ्री डिश पर पूरी तरीके से चैनल लोड हो जाएंगे। चैनल लोड हो जाने के बाद अब आपकी डीडी फ्री डिश पर कई सारे चैनल ऐड हो जाएंगे। साथ ही में अब आपको आपकी डीडी फ्री डिश पर सोनी पली यह चैनल भी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार आप आज के वीडियो में बताए फ्रीक्वेंसी के जरिए आपकी डीडी फ्री डिश पर ही चैनल को ऐड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक जरूरी बात, आज के वीडियो में बताई हुई फ्रीक्वेंसी हर किसी डीडी फ्री डिश पर वर्क करेगी ऐसा नहीं है। ऐसे कुछ डीडी फ्री डिश पर जिस पर यह फ्रीक्वेंसी वर्क कर सकती है, तो आप आपके डीडी फ्री डिश पर इस फ्रीक्वेंसी को अप्लाई करके देख सकते हैं। हो सकता है आपके डीडी फ्री डिश पर भी मेरे डीडी फ्री डिश जैसा चैनल ऐड हो सके। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, ताकि आप तक हमेशा हमारे ऐसे नए वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँचती रहे और आप हमेशा आपके डीडी फ्री डिश पर ऐसे नए और पुराने चैनल को ऐड कर सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।